मिस्टर बेसन के चक्कर में लाइफ बर्बाद करने के बाद जब लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो कुछ लोग हस्त मिथुन छोड़ के अपनी जिंदगी की गाड़ी वापिस ट्रैक पे ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब ब्रह्मचर्य का क्या फायदा, मैंने तो अपना काफी सारा वीर्य बहा दिया, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और इसी एक लूजर वाली फीलिंग के साथ वो लोग गंदी से गंदी पोर्न फिल्में देखते जाते हैं और अपने हाथों से अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपना भविष्य सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना वीर्य जल्दी से बढ़ाना है तो आपको क्या खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों की जिंदगी से जुड़े कुछ भ्रम, कुछ मैथ्स को तोड़ना होगा। हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपको भ्रम में रखा जाता है, आपके स्वास्थ्य के साथ और आपकी जिंदगी के साथ बहुत भद्दा मजाक किया जाता है। टीवी पे आने वाली किसी एड को देख के आज का यूथ ये सोचता है कि ये क्रीम लगाने से हम गोरे हो जाएंगे या फिर ये पाउडर खाने से हमारे अंदर शक्ति आएगी, हमारी बॉडी बनेगी। लेकिन मासूम नौजवानों को ये नहीं पता कि इन सभी प्रोडक्ट को लंबे वक्त तक सड़ने से बचाने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसकी पैकिंग में कई झोल किए जाते हैं, कई बार एक्सपायरी डेट आगे पीछे कर देते हैं, तो कई बार खाने की चीजों को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसमें केमिकल मिला दिया जाता है। और जब एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदी हुई ये सब चीजें आपके शरीर में जाती है तो वो आपको ताकत तो नहीं देती, बल्कि उसका उल्टा आपके शरीर में जहर बन के दौड़ती है। अब एक तरफ से आप हस्त मिथुन से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और दूसरी ओर से ये जहर आपके शरीर को इतना खोखला बना देता है कि कुछ उम्र गुजरने के बाद आपका शरीर वीर्य बनाने की स्थिति में नहीं रहता। अगर आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते हुए अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ पोर्न वीडियो को टाटा बाय बाय बोलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड से आपका मन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन आपका पेट और आपका शरीर तो घर के बने खाने से ही सेटिस्फाई और तंदुरुस्त बनेगा। घर का खाना और खासकर माँ के हाथ का बना खाना सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। बाहर का पिज्जा बर्गर खाने से आपको वो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा जिससे आपका शरीर शक्तिशाली वीर्य बना पाए। तो सबसे पहले घर के खाने से शुरुआत करो। जिस तरह से वीर्य के हर एक बूंद में बहुत शक्ति होती है, वैसे ही कुछ आहार ऐसे होते हैं जो पौष्टिक तो होते ही हैं, लेकिन उसके बूंद बूंद में शक्ति होती है। जैसे कि दूध और खासकर गाय का दूध, कोल्ड ड्रिंक और खास तो शराब पीने वाली आज की जनरेशन को लगता है कि शराब पीने से वो कूल दिखेंगे। भाई शराब पीने से कोई कूल नहीं बनता, आप कूल बनते हैं अपने बिहेवियर से, अपने कैरेक्टर से, जबकि शराब लोगों के कैरेक्टर खराब कर देती है। आप खुद ही याद करो, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी शराबी को शराब पीने के बाद आपके साथ या किसी और के साथ अच्छे से बिहेव करते हुए देखा है? ये शराब सिर्फ आपका कैरेक्टर खराब नहीं करती बल्कि ब्रह्मचर्य के रास्ते से भी आपको भटका देती है। अगर सही में आपको ब्रह्मचर्य सार्थक करना है, वीर्य की शक्ति देखनी है, अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सारी कोल्ड ड्रिंक को आज से अलविदा कह दो और सिर्फ दूध पीना शुरू करो। दूध में ऐसे काफी सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको हेल्थी एंड फिट रखते हैं। इनफेक्ट दूध में हल्दी, शहद और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे मिला के पीने से शरीर को शक्ति मिलती है। अगर आप रोज दूध पियेंगे तो आपका शरीर तो कई छोटी मोटी बीमारियों से सुरक्षित हो जाएगा, साथ में जब इस दूध से वीर्य बनेगा तो आपके वीर्य की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। जब आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक और शराब के बदले दूध जैसी पौष्टिक चीज आएगी तो वीर्य भी आसानी से और जल्दी बनेगा। अब आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाद में कमेंट में लिखेंगे कि भाई मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि शराब शुरू शुरू में कड़वी लगती है, फिर भी पी थी ना, तो फिर दूध तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपकी दूध से नहीं बनती तो कुछ और भी है जो आपको वीर्यवान बना सकती है। लेकिन उस चीज के बारे में जानने से पहले मुझे एक बात बताएं, आप हफ्ते में कितनी बार पानी पूरी, सैंडविच या बर्गर या फिर शायद फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं? कुछ लोग होंगे जो हफ्ते में एक बार खाते होंगे, जबकि कुछ लोग हफ्ते में एक बार घर पे खाना खाते होंगे। ये सारी फास्ट फूड आइटम्स भले ही तुम्हारी जुबान को अच्छी लगेगी, पर आगे जाके ये तुम्हारे शरीर का और खासकर तुम्हारे वीर्य का क्या हाल कर देगी ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो आप सबको पता होगा कि फास्ट फूड का ये कल्चर हमारे देश में वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, पर आपको ये बात पता नहीं होगी कि इसी फास्ट फूड कल्चर की वजह से वहाँ के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई सारी बीमारियों के साथ जी रहा है। कई लोगों को डायबिटीज है और कई सारे लोग मोटापे से परेशान है। शायद आप भी ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। और अगर आप लंबे वक्त से बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाने वाले मर्दों में इम्पोटेंसी यानी कि नामर्दानगी का खतरा बना रहता है। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो हरी सब्जियों पे फोकस कीजिए। हरी सब्जियां उन लोगों के लिए एक वरदान है जो जवानी में गलत संगत की वजह से मिस्टर बेसन के दलदल में फंस गए होते हैं। अगर आप लोगों को मिस्टर बेसन की बहुत बुरी लत लग चुकी है और अगर आप अब तक अपना काफी सारा वीर्य पानी की तरह बहा चुके हैं तो आपके चेहरे से चमक चली गई होगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए होंगे और आंखें भी चेहरे के अंदर चली गई होगी। अगर आप इन सब दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं और मिस्टर
मास्टरबेशन छोड़ के अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो दो काम जरूर करना, एक तो हरी सब्जियां खाना शुरू कर देना और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना। देखो पुराने जमाने के लोग काफी हेल्दी रहते थे क्योंकि वो हरी सब्जियां ज्यादा खाते थे और उस जमाने में फास्ट फूड जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, इसलिए उनकी बॉडी फिट रहती थी और शादी के बाद बच्चे भी आराम से हो जाते थे। देखो हमारी बॉडी को वीर्य जैसी कीमती धातु बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिससे हमारे शरीर को सारे जरूरी विटामिन्स और प्रोटीन्स मिल सके। विटामिन तो आपको दूध और हरी सब्जियों से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए तो आपको अपनी डाइट में दाल जरूर शामिल करनी चाहिए। आजकल सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से पोर्न जैसी गंदगी दुनिया के हर घर तक पहुंच गई है और लोग पोर्न की वजह से इतना हस्तमैथुन करते हैं कि उनका वीर्य इतना पतला हो जाता है कि सेक्स का हल्का सा विचार भी उनके अंडरवियर गीली कर देता है और ऐसे लोगों का वीर्य गुजरते वक्त के साथ पतला होता जाता है और फिर अल्टीमेटली जिंदगी में आती है इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता, क्योंकि वीर्य पतला होने का मतलब है कि उसमें जरूरी कणों की कमी है। अगर आप मास्टरबेशन से बचना चाहते हैं और आपने ब्रह्मचर्य भी अपना लिया है तो दूध और हरी सब्जियों के साथ ही दाल भी अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कर दे। ये आपके वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करेगा और आप ब्रह्मचर्य का सही आनंद ले पाएंगे। मास्टरबेशन के बाद कई लोगों को लगता है कि अब मैं कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये बात गलत है। आप नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। आपको अब तक जितना वीर्य बहाना था बहा दिया, लेकिन अब अपने खाने पीने पे अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपकी खोई हुई शक्ति फिर से आपको लौटा सकती है। एक बार जिंदगी में गलती की इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऊपर वाला हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देता है। आप यूं समझ लो कि इस वीडियो के जरिए ऊपर वाला ही आपको एक मौका देना चाहता है। तो मायूसी की चादर हटाओ और अपनी जिंदगी को एक और मौका दो। अपनी लाइफ का लक्ष्य बनाओ, उस पे फोकस करो, नए आइडिया सोचो, अपनी जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचो। तुम्हारे अंदर भी कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी, उसे बाहर आने का मौका दो। फिर देखो तुम्हारी लाइफ को कैसे एक बहुत बड़ा यू टर्न मिलता है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।